सो फाइनली दोस्तों आ चुके एक नए वीडियो के साथ और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग प्रीमियर प्रो में कैसे स्क्रोलिंग टेक्स्ट और रोलिंग टेक्स्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो आप लोग पहले तो आपकी फुटेज जो होगी कि आप टाइमलाइन पे ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर जाएंगे फाइल में, उसके बाद नेम के ऊपर क्लिक कर देंगे और एक लिस्ट डेटा ले लेंगे। सो मैं इसे वेरिएबल छोड़ रहा हूँ, उसके बाद मैं ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। सो आपके पास इस तरह की विंडोज बनी जाएगी। मैं इसे थोड़ा पहले इसे बड़ा कर लूँगा, आप लोग अच्छे से दिखाई देगी। सो दोस्तों मैं पहले यहाँ पर स्क्रोलिंग टेक्स्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो उसके लिए आप लोग को एक छोटी सी काम करना पड़ेगा कि स्क्रोलिंग टेक्स्ट में आप लोग जो भी लिखना चाहते हैं उसको किसी और डॉक्यूमेंट में या फिर नोटपैड में कॉपी करके रखना, ठीक है। कॉपी पेस्ट करके रखना जो भी होता है। सो मैं यहाँ पर ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। और मैं इंसर्ट लेयर को इंसर्ट टेक्स्ट को मैं यहाँ पर यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइटल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एक बार क्लिक करके छोड़ दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं कंट्रोल वी प्रेस कर दूंगा तो आपका जो सारा टेक्स्ट कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आपका जो सारा टेक्स्ट होगी वो फिर से सिलेक्शन हो जाएगी। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर फोन की जो स्टाइल होगी ये सब चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फोन की जो साइज होगी यहाँ पर छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर आएंगे, इसका जो फोन की जो कलर होगी मैं यहाँ पर व्हाइट ले रहा हूँ, उसके बाद मैं ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और इसको मैं पकड़ के नीचे की तरफ लेके जाऊंगा क्योंकि स्क्रोलिंग तो हमेशा नीचे की तरफ ही होता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लेकर छोड़ दूंगा, ठीक है। सो उसके बाद आप लोग यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर एक छोटी सी आइकॉन दिखाई देगी, ठीक है। इस तरह की दो साइड की एक एरो टाइप की एक आइकॉन दिखाई देगी, इसको ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक पॉपअप ओपन हो जाएगी। सो पहले तो होती है स्टिल, सो स्टिल का मतलब मुझे नहीं पता मुझे पूछना नहीं कमेंट सेक्शन में स्टिल का मतलब क्या होती है भाई, नहीं पता मुझे स्टिल का मतलब, नहीं बताऊंगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर दिखाएंगे कि रोल, ठीक है। रोल अभी बाद में मैं डिस्कस करूँगा, पहले तो मैं स्कूलिंग को डिस्कस कर दूँ। सो रोल को बाद में करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिखा रहे हैं क्रॉल लेफ्ट, इसका मतलब क्या होती है। क्रॉल लेफ्ट का मतलब होती है कि आपका टेक्स्ट राइट साइड से शुरू होगी और लेफ्ट पे आके खत्म होगी। उसके बाद आती है क्रॉल राइट, इसका मतलब होती है आपका टेक्स्ट लेफ्ट साइड से शुरू होगी और राइट पे खत्म होगी। सो दोस्तों उसके बाद आती है स्टार्ट ऑफ स्क्रीन, इसका मतलब क्या होती है। सो स्टार्ट ऑफ स्क्रीन का मतलब होती है कि आपका जो टेक्स्ट है वो शुरू, आपका जो वीडियो होती है यानी वीडियो की फ्रेम होती है यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रही है, यहाँ पर यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। सो इसको मुझे चाहिए, मैं यहाँ पर चेक कर दूंगा और यहाँ पर फिर से दिखा रही है। उसके बाद यहाँ पर दिखा रही है एंड ऑफ स्क्रीन, ठीक है। तो इसका मतलब होती है कि आपका जो टेक्स्ट की जो एनिमेशन होगी वो फ्रेम से बाहर जाके खत्म होगी, ठीक है। सो इसको मुझे चाहिए, मैं ऐसे चेक कर दूंगा। तो ये दोनों तो क्लियर हो चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। सो उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली इसे क्लोज कर दूंगा और आपके पास टाइटल नाम कर आ जाएगी। सो मैं इसको पकड़ के इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ, मैंने तो उल्टा लिया, ठीक है। सो मैं यहाँ पर फिर से जाऊँगा, इसको सिलेक्ट कर दूंगा। सो मैं यहाँ से क्रॉल लेफ्ट लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक ऊपर क्लिक कर दूंगा तो मैं ऐसे सिंपली क्लोज कर दूंगा और आप मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए। सो दोस्तों ये तो बहुत फास्ट हो रही है। तो इसको स्लो करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो लेंथ होगी इसको पकड़ के आप यहाँ पर ड्रैग कर देंगे तो आपका टेक्स्ट स्लो होगी, ये देखिए आप स्लो चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी स्क्रोलिंग टेक्स्ट, आप मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ रोलिंग टेक्स्ट कैसे क्रिएट करेंगे। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी मूवी में मूवी के एंड में आप लोगों को रोलिंग टेक्स्ट दिखाती है, यानी स्क्रीन को नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। सो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल में जाएंगे, न्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है, और लेजिस्ट डेटा ले लेंगे। सो उसके बाद मैं ऊपर क्लिक कर दूंगा तो आपके पास फिर से एक विंडोज ओपन हो जाएगी उस तरह की। सो उसके बाद लोग आप लोग क्या करेंगे, आप लोग रोलिंग की जो क्रेडिट देना चाहते हैं जिस चीज़ का भी नाम होना चाहिए उसको कॉपी कर लेंगे। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा और उसमें करता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं टाइटल को सिलेक्ट कर दूँगा और यहाँ पर मैं एक बार क्लिक कर दूँगा, एक बार ही क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद मैं कंट्रोल वी प्रेस कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं कंट्रोल ए प्रेस करके सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दूँगा और इसकी में साइज होगी मैं यहाँ से छोटा कर दूँगा और इसकी जो कलर होगी आप लोग यहाँ पर चाहिए तो रेड कर सकते हैं, मैं मुझे रेड नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोगों को चाहिए तो और ले लेना ऐसे, ठीक है, चलो ले लेते, कोई बात नहीं, सफेद लेना इसका पसंद नहीं है।
शपथ लेना किसको पसंद नहीं है, तो चलिए उसके बाद आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद आप लोग मेक श्योर आप लोग को सारे जो टेक्स्ट होगी उसको सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप लोग कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर इसको पकड़ के यहाँ पर आके छोड़ देंगे। मेक श्योर यहाँ पर एक छोटी सी लाइन दिखाई दे रही है, उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। आई थिंक आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही है, तो ये देखिए, ठीक है। सो दोस्तों उसके बाद आप लोग फेस आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर से ले लेंगे रोल और सेम स्टार्ट ऑफ स्किन, स्टार्ट नहीं एंड ऑफ स्किन, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं एक ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से आ जाएगी और सिंपली मैं ऐसे क्लोज कर दूंगा और इसको पकड़ के नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर दूंगा। तो आप मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए बहुत फास्ट हो रही है। सो मैं इसे ऐसे बड़ा कर दूंगा, तो आप देखिए स्लो आ रही है। पर एक छोटी सी चीज़ आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे चेंज करना है, तो क्या करेंगे। तो सिंपली आप लोग को क्या करना होगा, यस यहाँ पर जाएंगे अपने जो प्रोजेक्ट सेक्शन में, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू आइटम को क्लिक कर देंगे और ये के कलर में ले लेंगे, ओके। सो मैं इसे ऊपर क्लिक कर दूँगा और जो भी कलर आप लोग चाहिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। मैं वाइट कलर ले रहा हूँ, उसके बाद कवर क्लिक कर दूंगा, हर एक कलर मेरे नाम के आ जाएगी। उसके बाद मैं कवर क्लिक कर दूंगा, आई मीन इसको ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा। सो मैं इसे पहले नीचे यहाँ पर इसे एडजस्ट कर दूंगा और टाइटल लेयर को मैं ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे खींच दूंगा, ठीक है। तो आप देखिए आप लोग को ये देखिए चेंज हो चुका, ठीक। सो एक छोटी सी ट्रिक थी कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी 85% व्यूअर नॉट सब्सक्राइबर, यार क्या कर रहे हो, और मेरे वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, यार तो क्या कर रहे हो, जाओ जाके सब्सक्राइब बटन को ठोक दो। सो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, टाटा।